हंसना हंसाना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अरे ये दोनों चीजें भगवान की तरफ से फोकट में मिली हैं। और भी मजा आता है अगर छोटे छोटे बच्चों ने कुछ दे दिया हो और प्यारी सी हरकत कर दी हो और हमें हंसी आ जाए। खेल का मैदान हो या क्लासरूम, बच्चे जब चाहें हंसने हंसाने का माहौल बना लेते हैं। कई बार तो पूछे जाने पर वही मासूमियत से जवाब देते हैं कि हंसी रुकी नहीं पाती। बच्चों आप भी मौजूद हैं और हम भी। अरे तुझे क्या हो गया? अरे फुलझड़ी क्या हो गया? आम पापड़ खा लिया और मंगा देंगे। अरे रो मत हंसो। पहले आप हमारे मम्मी पापा को हंसाइए, फिर हम हंसेंगे। वो तो हमेशा लड़ते रहते हैं। बच्चों उनकी लड़ाई हटा के उनको भी हंसा देंगे, मगर पहले आप हंस के। एक बार टीचर ने बच्चों से सवाल किया। अच्छा शिल्पा बेटी एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें 1 रुपया दे और तुम्हारे छोटे भाई को 2 रुपए दे तो क्या होगा? जी लड़ाई। अच्छा अनुज अब तुम बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो गर्मियों में तो ICS हो जाते हैं और सर्दियों में PCS। गर्मियों में ICS और सर्दियों में PCS? मैं समझी नहीं। जी वो गर्मियों में तो आइसक्रीम सेलो हो जाते हैं और सर्दियों में वो पोटैटो चाट सेलो हो जाते हैं। डैडी डैडी मैं पास हो गया हूँ। अच्छा मैं अपनी क्लास में 4th नंबर पर आया हूँ। 4th नंबर पे, वेरी गुड। अच्छा बेटा कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में? जी 4। अच्छा बच्चों अब हम आपको एक बहुत मजेदार सवाल पूछेंगे। सबसे पहले जमीन के अंदर सुरंग किसने बनाई थी? जी हम बताए। हाँ हाँ बताइए। जी केचुओ ने। अब एक और सवाल, यदि 1 पाउंड मक्खन का दाम 6 रुपए है तो 2 पाउंड कितने का होगा? ये सादा या नमकीन? अच्छा ममता तुम बताओ पानी पे मच्छर क्यों बैठते हैं? ताकि पानी उड़ ना जाए। अच्छा ममता एक और सवाल, यदि आपके पिताजी हर महीने 200 रुपए बचाते रहें तो बताओ उनके पास क्या होगा? जी हमारी मम्मी के लिए नई नई साड़ियाँ। हाँ तो बच्चों, हाँ बेटे तुम बताओ वो कौन सा एनिमल है जो तुम्हें दूध घी दही चप्पल वगैरह देता है? जी हमारे डैडी। क्यों राजू तुम्हारे दादाजी का ध्यान कैसे हुआ? क्या बताऊँ वो तो बहुत भुलक्कड़ थे, पता नहीं सांस लेना भूल गए हो। अरे यार जब भी मैं तेरे घर आता हूँ तो मक्खियाँ मुझ पर भिनभिनाने लगती हैं।
अरे यार, तभी तो मैं कहूँ मक्खियाँ हमेशा गंदी चीज पर ही क्यों बैठती हैं। पिंकी, एक बात बताओ, रात को सूरज क्यों नहीं निकलता? निकलता तो है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता? ओफो, अंधेरे में सूरज दिखाई कैसे देगा? अच्छा राहुल, मैं तुम्हें एक इंग्लिश की पोयम सुनाती हूँ, तुम मुझे एक हिंदी की सुनाओ। ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब तुम। टिंडे टिंडे आम का अचार, खाओ पुत्र मारो डकार। अच्छा शिल्पा, तुमने गुणा जमा घटा के सभी सवाल ठीक कर लिए, अब तुम भाग करके दिखाओ। अरे अरे अरे, कहाँ चली? मैडम, आप ही ने तो कहा था कि भाग करके दिखाओ। और साहब, कभी कभी तो बहुत मजा आता है जब मम्मी, डैडी और बच्चे तीनों में नोकझोंक हो जाती है। अरे अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पिताजी केले के छिलके से फिसल कर गिर गए और उनके सारे कपड़े खराब हो गए। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं वहाँ होती तो हंस देती। मैं भी तो हंसी थी। आइए एक और बच्चे से मिले। चोर रोती हुई अपनी माँ के पास आई। बेटी क्यों रो रही हो? रानी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। कैसे? मैंने गुड़िया उसके सर पे दे के मारी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपना कसूर पहले नहीं बताते। आइए मिले इस बच्चे से। अरे विनय बेटे, क्यों रो रहे हो? टप्पू ने मुझे मारा। कहाँ है टप्पू? मैं उसे अभी देखती हूँ। उसकी माँ उसे अस्पताल ले गई है। अरे मोहन, जो तुमने पहले मधुमक्खियाँ पाली थी, अब कैसा हाल है? बहुत फायदा है। पहले हमारे घर में बहुत से मेहमान आते थे, अब तो उनके डर से कोई भी नहीं आता। ममता, आज तुम्हारा कुत्ता उदास कैसे बैठा है? क्या बताऊं? आज इसे पेट्रोल जो पी लिया। फिर क्या हुआ? काफी देर तक तो दौड़ता रहा, जब पेट्रोल खत्म हो गया तो बैठ गया। अच्छा बेटे, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ मछलियाँ पानी की सतह पर आकर बाहर की तरफ क्यों झांकती हैं? सर, ये देखने के लिए कि उनको ललचाए नजरों से कौन देख रहा है। डैडी, अगर आप जरा सा ख्याल रखे तो आपकी छतरी खूब चलेगी। वो कैसे बेटा? बस इसे सिर्फ धूप और पानी से बचा कर रखे। अरे बेटा, जब नेपोलियन तुम्हारी उम्र का था ना, तो इस तरह खेल कूद में अपना समय नष्ट नहीं किया करता था, समझे? डैडी, जब वो आपकी उम्र का था ना, तो सारा फ्रांस उसके कब्जे में आ गया था। बच्चों, जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने पिताजी का सबसे प्यारा चेरी का पेड़ काट डाला था, फिर भी उन्होंने उसे मारा नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी अभी भी उसके हाथ में थी। अब तुम भी मुझे एक जोक सुनाओ। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि रात को मैंने सपना देखा कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। पति ने जवाब दिया कि आज तुम चप्पल पहन के सो जाना। बच्चों, बहुत देर से आपने हमें जोक सुनाए और हमारा मनोरंजन किया, अब हम आपका मनोरंजन करते हैं, तो सुनिए। A B C D E F G, उसमें से निकली लाजो जी। लाजो जी ने खाया बादाम, उसमें से निकला हवेली राम।
हवेली राम ने खाई छाली, उसमें से निकली वीरा वाली। वीरा वाली ने खाया पान, उसमें से निकला वृषभान। वृषभान ने मारा तीर, उसमें से निकला सतवीर। सतवीर ने जो खाया भोजन, उसमें से निकला लाला रोशन। लाला रोशन की हुई प्रमोशन, लाला रोशन की हुई प्रमोशन, उसमें से निकली भाभी लोचन। भाभी लोचन ने पहने आभूषण, उसमें से निकले कुलभूषण। कुलभूषण ने खाई जलेबी, कुलभूषण ने खाई जलेबी, उसमें से निकला नन्हे जेबी। जब जेबी ने खाई इमली, उसमें से निकली तब बबली। बबली ने खरीदा बंगला, बबली ने खरीदा बंगला, उसमें से निकली बेचारी मंगला। मंगला ने जो की फरियाद, तो जी खत्म हुआ बुनियाद। अच्छा सपना, तुम्हारी लिखाई इतनी खराब है। मैंने तुमसे 20 पन्ने लिखने को कहा था, पर तुमने सिर्फ 10 क्यों लिखे? जी मेरा हिसाब भी तो खराब है। बेटे, आज आपको स्कूल आने में इतनी देर कैसे हो गई? जी सड़क पर लिखा था धीरे धीरे चलो। ये लो बेटी टोस्ट और मक्खन, खाओ। जी धन्यवाद। बेटा, मुझे धन्यवाद सुनना बहुत अच्छा लगता है। आंटी, अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा धन्यवाद बोलूं, तो इस टोस्ट पर जैम लगा दीजिए। अरे शीला, तुम्हारे मुन्ने ने तुम्हारी ही आंखें पाई है। हाँ, और नाक अपने बाप की पाई है। मगर आंटी, कमीज तो मेरी ही पाई है। बच्चों, चलती बस से कब उतरना चाहिए? जी जब अस्पताल पास में हो। तो साहब, अगर छुट्टी का दिन हो, माँ बेटी या माँ बेटा घर पे बैठे हूँ, गपशप चल रही हो तो? मुन्नी, तुझे पता है रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगवाए जाते हैं? इसीलिए कि कहीं रेलगाड़ी शहर के अंदर ना घुस जाए। मुन्नी, कल रात अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, आज एक ही क्यों है? मम्मी जी, अंधेरे में दूसरा हाथ ही नहीं लगा। इतिहास के मास्टर जी ने बच्चों से सवाल किया। बच्चों, सिकंदर जो विश्व विजय करने निकला था, फिर भारत से वापस क्यों चला गया? सर, उसकी पत्नी की चिट्ठी आ गई होगी। राजू, तुम आज फिर सारा होमवर्क अपने पापा से करा के ले आए हो? नहीं मैडम, ये हमने ही किया है। झूठ, सरासर झूठ, इसमें ढेर सारी गलतियां हैं। मम्मी मम्मी, सफाई रखना अच्छी बात है ना? आपको सफाई पसंद है ना? बड़ी अच्छी बात है बेटे, सफाई रखना तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक हुआ, मैंने फ्रिज में रखी सारी आइसक्रीम साफ कर डाली है। बस के सफर में कभी कभी बहुत सी ऐसी वारदात हो जाती है कि बड़ा मजा आता है। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनके पास बैठे हुए एक बच्चे ने कहा, अंकल अंकल, आपकी सीट कहीं टूटी हुई तो नहीं है? नहीं बेटे, हमारी सीट बिल्कुल साबुत है। तो कोई कील भी चुभ रही होगी? ऐसा भी नहीं है बेटे। तो फिर आप मुझे सीट बदल लीजिए। म्युनिसिपैलिटी के एक इंस्पेक्टर सड़क पर दौरा कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि कोने में एक गाय और बछड़ा खड़े हैं। उन्होंने पास खड़े एक बच्चे को बुलाया और पूछा, बेटे जरा सुनना बेटे। हाँ, आपसे कह रहा हूँ। बेटे जरा आप बता सकते हैं कि ये गाय और बछड़ा किसका है? जी गाय का तो मैं नहीं बता सकता,
मगर बछड़े का बता सकता हूँ। अच्छा तो यही बताइए कि ये बछड़ा किसका है? ये बछड़ा इसी गाय का है। खिलौनों की दुकान पर दुकानदार एक बच्ची को गुड़िया दिखाते हुए बोला, बेटी ये देखो हमारी दुकान पर नए मॉडल की गुड़िया आई है। ये हंसती भी है, सोती भी है, रोती भी है, पानी भी पीती है। देखो बेटे। अंकल अंकल, ये सब तो हमारी छोटी बहन भी कर लेती है, हमें तो सिर्फ गुड़िया चाहिए। पुलिसमैन चौराहे पर खड़ा था। एक बच्चा घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, पुलिस अंकल जल्दी चलिए, एक बदमाश मेरे पिताजी को पीट रहा है। मगर बेटे आपने आने में तो बड़ी देर कर दी। जी इससे पहले मेरे पिताजी उसे पीट रहे थे। अरे राजेश बेटे आप बताओ, बेटे नमक कहाँ पाया जाता है? जी पंसारी की दुकान पे, हम मम्मी के किचन में। बेटे रोटी नहीं बनेगी, गैस खत्म हो गई है। कोई बात नहीं मम्मी, चावल ही बना दो। विज्ञान की कक्षा चल रही थी, टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों गर्मियों में चीजें बढ़ जाती हैं, इसका उदाहरण दो। मैडम गर्मियों में हमारी छुट्टियां 2 महीने की होती हैं और सर्दियों में सिर्फ 10 दिन की रह जाती है। तुमने आज फिर लेसन याद नहीं किया? क्या करूं बाबा, तुमने उल्लू देखा है? हाँ। तुमने गधा भी देखा होगा? हाँ। तुम्हारी शक्ल एकदम दोनों से मिलती है। मगर मम्मी तो कहती है कि मेरी शक्ल डैडी से मिलती है। क्यों राजू, हिंदी की बुक क्यों नहीं लाए? भूल गया मैडम। तू खुद ही स्कूल आना क्यों नहीं भूल जाता? भूल तो गया था मगर मम्मी ने याद दिला दिया। रात तुमने सपने में क्या देखा? मम्मी मैंने सपने में देखा कि पापा मुझे मिठाई दे रहे हैं और आप खिलौने। अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है सपने उल्टे हुआ करते हैं? तो क्या हुआ, पापा मुझे खिलौने दे देंगे और आप मिठाई। अच्छा बच्चों, मुझे मालूम है कि आपके पास कविताओं का खजाना होता है, सुनाएंगे ना मुझे? यस मैडम। तो तन्नु तुम सुना दो पहले। जी मैडम। 1 2 3 बुढ़े की मशीन, बुढ़ा गया जेल में, हम गए रेल में, रेल में खाए बिस्किट, बिस्किट निकले खराब, हमने खाए कबाब, कबाब निकली कच्ची, हमने खाई मच्छी, मच्छी में निकला कांटा, हमने मारा चांटा। अच्छा कंचन, अब है तुम्हारी बारी। अंकल जी नमस्ते, छोले खाओ खस्ते, पानी पियो ठंडा, सिर पे मारो डंडा, सिर में से निकला खून, जल्दी करो टेलीफोन, टेलीफोन में ता नहीं, हम तुम्हारे यहाँ नहीं, यार गया दिल्ली, वहां से लाया बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, नाना हो गया गंजा। और राजेश अब है तुम्हारी बारी, सुनाओगे ना? हाँ मैडम। मोटा बेट सड़क पे लेट आई, गाड़ी फट गया बेट, गाड़ी का नंबर 88, गाड़ी पहुंची इंडिया गेट, इंडिया गेट से आई आवाज, चाचा नेहरू जिंदाबाद। एक और सुनाओगे? हाँ मैडम। सुना दो। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गया दिल्ली, वहां से लाया बिल्ली, बिल ने मारा पंजा, नाना हो गया गंजा। सब नाने को गंजे क्यों बना देते हो? Ha 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 ha
बच्चों, मनुष्य की खोज का कोई अंत नहीं। अब तो वो मैकेनिकल रोबो से भी बहुत से काम कर लेता है। सिर्फ बटन दबाओ और काम शुरू। आगे आओ मत घबराओ, करो दोस्ती टॉफी पाओ। मैं हूँ रोबो, कल चल माना। मैं हूँ रोबो, हल चल माना। जो भी चाहो काम कराओ, कभी न हारा मित्र तुम्हारा। मैं हूँ रोबो, चल चल माना। बटन दबाओ करके दिखाऊं। मैं हूँ रोबो, कल का मानव। अलादीन का मैं चिराग हूँ, खुल जा सिम सिम उलट राग हूँ। मैं हूँ रोबो। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आपने हम लोगों को बहुत प्यारे प्यारे चुटकुले सुनाए, हंसाया, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको सुनाता हूँ, दो चार बातें। बच्चों, रेडियो ट्रांजिस्टर हम सभी लोग सुनते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि रेडियो में गड़बड़ पैदा हो जाती है। गड़बड़ से मेरा मतलब है कि एक ही मीटर पर दो स्टेशन एक साथ मिल जाते हैं। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ, एक ही मीटर पर दो स्टेशन एक साथ मिल गए। प्रोग्राम क्या चल रहा था, आकाशवाणी जलंधर से एक पहलवान जी पहलवानी के तरीके समझा रहे थे भाइयों के लिए, और उसी टाइम आकाशवाणी दिल्ली से बहन उषा रानी आम का अचार डालने के तरीके समझा रही थी बहनों के लिए। ये दोनों स्टेशन एक ही जगह मिल गए। कुल मिलाकर क्या सुनाई दिया, आप भी सुनिए। ये आकाशवाणी जलंधर है। अब आप पहलवान गुलाम हैदर से बहनों के लिए अचार डालने के तरीके सुनिए। सबसे पहले अपने पूरे जिस्म पर, अपने पूरे शरीर पर अच्छी तरह तेल मालिश कर लीजिए। तेल मालिश करने के बाद पूरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा दीजिए। इसके बाद प्यारी बहनों, एक काम कीजिए, एक शीशे का इमरतवान ले लीजिए, मेरा मतलब एक शीशे का बड़ा बर्तन ले लीजिए।
उसमें 3-4 किलो सरसों का खौलता हुआ तेल डाल दीजिए। मिर्च मसाला ऊपर तक भर दीजिए। आम के कटे हुए टुकड़े भी उसमें डाल दीजिए और उसी बर्तन में अच्छी तरह सर के बल खड़े हो जाइए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर का, आपके सारे जिस्म का अच्छा खासा अचार बनके तैयार हो जाता है। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह आम का अचार बना। खैर, अब इसके बाद में आपको हम ले चलते हैं स्कूल में। स्कूल में जहाँ की आज इंस्पेक्शन होने वाला है, यानी साहब आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, बच्चों से पूछताछ करेंगे वगैरह वगैरह। तो साहब बिल्कुल तैयारी है और स्कूल में आप भी चलिए हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब क्लास में आए, आकर के उन्होंने क्लास टीचर से पूछा, तो मास्टर जी ये आप ही की क्लास है? आजी मेरी क्या है भगवान की क्लास है। ओहो, मेरा मतलब नहीं समझे आप, मेरा मतलब है कि इस क्लास के क्लास टीचर आप ही हैं। बस यूं ही समझ लो, मैं ही हूँ। अच्छा, मैं आपके बच्चों से कुछ सवालात करूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, ये बताएंगे ना? अजी बिल्कुल पूछिए, पूछते जाइए, ये तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। हाँ हाँ, तो बच्चे, हाँ 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 बेटे, जरा तुम खड़े हो जाओ। जी मास्टर जी, बोलिए। हाँ बेटा, एक बात बताओ, वो गंगा कहाँ से निकलती है? जी बेटे, हम पूछ रहे हैं गंगा कहाँ से निकलती है? अजी सर जी, गंगा है ना, अपने घर से निकलती है, हलवाई की दुकान पे जाती है, फिर घर पे चली जाती है। अच्छा मास्टर जी, आपने यही पढ़ाया बच्चों को? अजी और पूछते जाइए, तो बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, अभी तो बहुत कुछ बताएंगे। अच्छा बच्चा नंबर 2, अब बेटे तुम खड़े हो जाओ। एक बात बताओ बेटा, शिव का धनुष किसने तोड़ा? हाँ बताओ बेटे, शर्माओ मत, शिव का धनुष किसने तोड़ा? अरे मास्टर जी, अरे मास्टर जी। अरे बेटे, इसमें रोने की कौन सी बात है, हम पूछ रहे हैं, बताओ बेटा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? अरे मास्टर जी, हमने नहीं तोड़ा जी, हमने। ओहो ओहो, मास्टर जी आप यही पढ़ाते हैं अपनी क्लास को। अजी और पूछते जाइए, यानी क्या क्या बताएंगे। ठीक है, मैं आपके प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ। तो साहब वो प्रिंसिपल साहब के पास गए जो इंस्पेक्शन करने आए थे, और प्रिंसिपल साहब से उन्होंने जाकर के सारा कुछ बताया, यही कहा कि साहब आपकी क्लास में मैंने ये पूछा, बच्चे कहते हैं, यानी शिव का धनुष मैंने पूछा तो बच्चे कहते हैं जी हमने नहीं तोड़ा। प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? अरे साहब ऐसा है, तोड़ फोड़ तो बच्चों के स्कूल में होती ही रहती है, और फिर क्या है कि अगर टूट गया नया बनवा देंगे। साहब क्लास में, स्कूल में ऐसे ऐसे बड़े मजेदार हादसात होते रहते हैं कि कभी कभी अपने आप में चुटकुला बन जाते हैं। मास्टर जी ने बच्चों से मुहावरे, शेर वगैरह, इनके मीनिंग पूछे। उर्दू की क्लास चल रही थी, बच्चे उर्दू सीखते हैं, तो मास्टर जी ने कहा कि अच्छा बच्चों ऐसा है बेटा कि हम एक शेर पढ़ेंगे और आप उसका हमें मीनिंग बताइए, मतलब बताइए। बच्चों ने कहा हाँ जी बिल्कुल पूछिए। तो मास्टर जी ने शेर पढ़ा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलो बेटा एक बार फिर सुना देता हूं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक बच्चा बोला, अजी माता जी हम बताए जी। हाँ बेटे बताओ। अजी खुदी का कर बुलंद इतना, इसका मतलब हुआ कि अपने आप को हिमालय पर्वत की ऊंचाई पे ले जा, बुलंदी पे ले जा। फिर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब हिमालय पर्वत पे ले जाएगा तो बेटा वहाँ पड़ेगी ठंड, और जब पड़ेगी ठंड तो अल्लाह मियां पूछेगा, बता बेटा तेरी रजाई कहाँ है।
अरे बेटा इसका ये मतलब नहीं, खैर छोड़ो, दूसरे बच्चे से पूछते हैं। बच्चे तुम बताओ इसका क्या मतलब हुआ? नीम हकीम खतराए जान। हाँ हाँ, नीम हकीम खतराए जान। अरे मास्टर जी बिल्कुल सीधी सी बात है, शायर कहता है कि ए हकीम नीम के पेड़ के नीचे मत जाइए, तेरी जान का खतरा है। अब साहब आपको ले चलें थोड़ा सा घरेलू माहौल में। बच्चे छोटे छोटे जो कुछ देखते हैं, माँ बाप से सुनते हैं, सुनाते हैं, वैसे ही कुछ करते हैं। खैर एक बार की बात है कि छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी 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 मम्मी। हाँ बेटे बोलो क्या बात है? मम्मी मम्मी ऊपर के फ्लोर में जो आंटी रहती है उनका नाम क्या डार्लिंग आंटी है? नहीं बेटे उनका नाम डार्लिंग आंटी तो नहीं है, उनका नाम तो शीला आंटी है। नहीं मम्मी उनका नाम क्या डार्लिंग आंटी है? हट, तुझे कैसे पता? मम्मी जब आप शॉपिंग पे चली जाती है ना तो पापा उन्हें डार्लिंग डार्लिंग कह के बुलाते हैं। तब अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जब बराबर के बच्चे मिल जाते हैं तो कुछ गप्पे मारने में बड़ा मजा आता है, बड़ी प्यारी प्यारी गप्पे, और गप्पे भी ऐसी कि साहब बस तबीयत खुश हो जाए। दो बच्चे बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे, एक दूसरे को बड़ा चढ़ा के बोलना था। पहला बच्चा दूसरे से बोला, बच्चे तुझे पता भी है हमारे दादाजी के जमाने में इतनी ठंड पड़ती थी कि जब बातें करते थे ना तो माचिस की तीली जला के बातें पिघला पिघला के सुनते थे हम। हाँ बच्चू। साहब दूसरे से नहीं रहा गया, वो बोला, हमारे दादाजी के जमाने में पड़ती होगी ऐसी ठंड, हमारे दादाजी के जमाने में तो ऐसी ठंड पड़ती थी कि गाय का दूध निकालते थे बाल्टी में जाते जाते आइसक्रीम बन जाता था। साहब दूसरा बच्चा जो था यानी पहले वाला, उसने और भी बड़ा चला के कहा, बच्चू तुझे है ना पता भी है इससे भी ज्यादा ठंड पड़ती थी हमारे दादाजी के जमाने में, जब गाय का दूध निकालती थी ना तो कुल्फियां निकलती थी बनी बनाई। हाँ। क्लास में सब बच्चे बैठे हुए थे और हिसाब का पीरियड था। एक बच्चे ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी सर वो हमारे इंग्लिश के टीचर है ना, वो तो हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं, और आप हमारे हिसाब के टीचर हैं, आप हिसाब में बात क्यों नहीं करते? मास्टर जी फौरन बोले, ज्यादा 3-5 ना कर, 9-2-11 हो जा वरना छुट्टी का दूध याद जला दूंगा, समझा? कई बार टीचर्स लोग बड़े बड़े प्यारे सवाल पूछ लेते हैं छोटे बच्चों से जिनका जवाब कई बार उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता। तो ऐसा ही हुआ, जनरल नॉलेज का सवाल था या क्या था मालूम नहीं, मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, एक बच्चे से पूछा कि बेटे देखो एक सवाल का जवाब दो। दोगे? हाँ, सवाल ये है बेटे कि अगर मेरठ से दिल्ली तक का फासला 60 किलोमीटर है तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? साहब सारे बच्चे सक पका गए कि सवाल क्या है, कहां मेरठ से दिल्ली तक का फासला और कहां मास्टर जी की उम्र। सवाल फिर दोहरा दिया कि बच्चों अगर मेरठ से दिल्ली तक का फासला 60 किलोमीटर है तो बताओ बेटे हमारी उम्र कितनी है। एक बच्चा खड़ा हो गया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अजी मास्टर जी हम बताएंगे, अगर मेरठ से दिल्ली तक का फासला 60 किलोमीटर है तो आपकी उम्र 48 साल है। मास्टर जी चकरा गए, बोले बेटा कमाल कर दिया आपने तो, हम तो वाकई 48 साल के हैं, रियली आई एम 48, मगर बेटे आपने ये 48 साल कैसे बता दिया? बच्चा बोला, मास्टर जी हमारा बड़ा भाई आधा पागल है, 24 साल का है। एक बार की बात है साहब के क्लास में बड़ा शोर हो रहा था, बच्चे बड़ा शोर कर रहे थे, और अक्सर ऐसा होता है टीचर्स वगैरह जब आने वाले होते हैं, बच्चे देखते हैं टीचर नहीं है तो
तो खूब अपने डेस्क वगैरह बजाते हैं, मजा लेते हैं। शोर हो रहा था, अचानक टीचर की एंट्री हुई। बच्चे एकदम से सक पका के सब खड़े हो गए। टीचर ने एक नजर सब बच्चों पर घुमाई और कहा, और शोर करते हैं आप लोग, बैठो, बैठ जाओ। सब बच्चे बैठ गए। टीचर ने कहा, मैं देख रहा हूं आप लोग खेलने में ज्यादा रुचि लेते हैं, पढ़ने में नहीं। सुनिए, क्लास में जो बच्चा सबसे निकम्मा हो खड़ा हो जाए। सुना नहीं? मैं कहता हूं क्लास में जो बच्चा सबसे निकम्मा हो खड़ा हो जाए। साहब इतना सुनना था कि एक बच्चा बड़ी हिम्मत करके खड़ा हो गया। मास्टर जी ने कहा, क्यों राजेश, क्या तुम निकम्मे हो जो खड़े हो गए? राजेश ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं मास्टर जी, आप अकेले खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए हम खड़े हो गए जी। साहब घर में कभी कभी बड़ा मजा आता है, और कुछ एक सवाल तो ऐसे बच्चे कर बैठते हैं कि माँ बाप से जवाब देते ही नहीं बनता। एक बार एक पिताजी ने बच्चे की किसी बात पे छोटा सा एक थप्पड़ रशीद कर दिया। जब चाटा बच्चे के मारा, बच्चा थोड़ी देर तो रोता रहा, फिर अपने पिताजी के पास आया और बोला, डैडी डैडी एक बात बताइए। बोलो क्या बात है? आपने हमें मारा? हाँ मारा। आपने शैतानी की, हमने आपको मारा। आपने हमें मारा? हाँ बेटे, हमने कहा ना कि आपने शैतानी की, हमने आपको मारा। आपके पिताजी आपको कभी मारते थे? अरे हाँ, जब हम शैतानी करते थे तो हमारे पिताजी भी हमको मारते थे। आपके पिताजी के पिताजी आपके पिताजी को मारते थे? हाँ बेटे, हमारे पिताजी के पिताजी हमारे पिताजी को मारते थे जब वो शैतानी करते थे। आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी उनके पिताजी उनको मारते थे? हाँ बेटे, मारते थे। मगर क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं डैडी, ये खानदानी गुंडागिर्दी कब तक चलेगी? बच्चों के साथ बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं साहब कभी कभी। बात कुछ यूं है कि सड़क के किनारे बिल्डिंग बन रही थी, और आप देखते होंगे अक्सर जब बिल्डिंग वगैरह बनती है तो वहाँ गड्ढे वगैरह कर लिए जाते हैं, उनमें पानी वगैरह स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, एक गड्ढे में काफ़ी पानी भरा हुआ था, और अचानक की बात है कि साहब उसमें बच्चे का पैर स्लिप हुआ, बच्चा उसमें गिर गया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, जिसने देखा, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे बच्चा डूब गया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। कोई बात नहीं साहब, जब बहुत भीड़ लग गई, थोड़ी देर के बाद छपाक की आवाज आई पानी के अंदर, जैसे कोई कूदा। छपाक की आवाज आई तो साहब उतनी देर में क्या हुआ, बचाओ बचाओ तो चली रहा था, बच्चे को बचाकर एक साहब सूटेड वोटेड एकदम बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए बच्चे को उन्होंने बचाया, और पूरे गीले हो गए किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। तो साहब सब लोग लगे उनकी तारीफ के पुल बांधने। अरे बड़ी कमाल है साईं, क्या तैरना आता है आपको नी? अरे क्या बच्चे को बचाया नी? मगर साहब मेरी बात। अरे क्या बात सुनना नी, तुम तो बड़ा धर्मात्मा नी बड़ी। साहब वो बीच में बेचारे कुछ बोलना चाह रहे हैं मगर कोई सुन ही नहीं रहा। एक लेडी आई, भाई साहब आपका जवाब नहीं, आपने इतनी कुर्बानी दी किस बच्चे को बचाया। मगर बहन जी मेरी बात तो, आपकी बात हमें कुछ भी नहीं सुननी, एक कप चाय आपको हमारे घर चल के जरूर पीनी पड़ेगी। ओफो बहन जी मेरी बात पूरी तो। अरे बेटा जवाब नहीं तुम्हारा, वाह बरकुल रात, अरे खुदा तुम्हें उम्र बख्शे, वाह वाह क्या बच्चे को तुमने बचाया। मगर बरकुल रात ये बताओ बेटा कि तुमने कैसे बचाया बच्चे को अपनी जान पे खेल के? साहब बोले, अरे साहब पहले मुझे ये बताइए कि मुझे धक्का किसने दिया था? एक बार की बात है साहब कि एक साहब मिलने दूसरे साहब के घर पहुंचे और आवाज लगाई, अरे भाई दीनानाथ जी, अरे दीनानाथ जी घर पे हैं क्या? साहब ऊपर दीनानाथ जी बैठे हुए थे, उन्होंने सुना कि कोई शख्स मुझे पुकार रहा है, उन्होंने फौरन अपने बेटे को बुलाया। अरे पप्पू, पप्पू बेटा इधर आओ। हाँ पिताजी। पप्पू बेटे मुझे कोई साहब बुला रहे हैं, उनसे जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा पिताजी। अरे दीनानाथ जी, हाँ दीनानाथ जी, अंकल अंकल पापा कह रहे हैं वो इन्हें घर पे नहीं है जी। Thank you.
Ha 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 ha!